मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियों में जुटे नगर निगम के अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप करना भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अधिकारियों को भारी पड़ गया। नगर आयुक्त की मौजूदगी में उनके नगर में भाजपा पदाधिकारी की पिटाई कर डाली। मारपीट करने वाले गनर तथा नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारियों को लेकर सोंक अड्डा की रेलवे लाइन के पास स्वच्छता संबंधी निरीक्षण किया जा रहा था। सोंक अड्डे के पास सफाई एवं अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता की नगर आयुक्त एवं सहायक नगर आयुक्त से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौजूद पुलिस कर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ता एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह होरा के साथ मारपीट कर दी। भाजपा कार्यकर्ता के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट में उसका हाथ टूट गया, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया है। उत्तेजित कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर ही पहुंच गए और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करने लगे। पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता ने नगर आयुक्त पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने मेयर मुकेश आर्य बंधु के सामने भी आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्यवाही की मांग की है। मेयर मुकेश आर्य बंधु का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। क्या हुआ है आपके साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह हो रहा है, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं अपने घर से सामान लेने जा रहा था, रेलवे क्रॉसिंग के पास नगर निगम की टीम खड़ी थी, उसमें काली शर्ट पहन के एक अफसर थे, वो मेरे से बदतमीजी से बोलने लगे, तू सरदार बने आते। मैंने कहा मैं सामान लेने आ रहा हूँ, कोई परेशानी होगी खड़े होने पे, बोला भगा उसको। उसने अपने बॉडी गार्ड से मेरे को धक्का देके पिटाई करवाई, मेरा हाथ टूट दिया, मेरी चैन चली गई। तुम्हारा क्या नाम है? राजेंद्र सिंह होरा कहते हैं मेरे को, और मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष। हाथ में कैसे लगी तुम्हारे में? उन्होंने मेरे को मारा डंडे से, मेरे को डंडे से मारा, मेरी चैन हाथ तोड़ दिया, ये देखो मेरी चोट लगी। जानकारी है नाम क्या था उनका कुछ? वो नए अफसर आए, वो हैं अजीत सिंह भी थे उनके साथ, अजीत सिंह ने उनको रोका पर वो माने नहीं। सर बताइए, भाजपा के कार्यकर्ता की पिटाई की गई है, बताया जा रहा है कुछ पुलिसकर्मी थे जो नगर निगम के अधिकारियों के साथ थे, क्या मामला है पूरा, अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए पूरा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं तो आपके सामने यहाँ अस्पताल पर आया हूँ, और वो जो हमारे कार्यकर्ता हैं राजेंद्र सिंह हुरा जी, उनका यहाँ ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। उनके ट्रीटमेंट के बाद में जब मुझे ये पता चलेगा कि क्या है, तो निश्चित तौर पर और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे, कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। तो जानकारी कुछ आया हो कौन लेते पुलिस वाले जो कहा अभी के थे? ये अभी मेरी ये जानकारी में नहीं आ पाया है, केवल वो पुलिस वाले बता रहे हैं, कौन से पुलिस वाले थे ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन कोई भी हो व्यक्ति उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो करता है आपके होरा जी हैं, उनके कहाँ कहाँ पर चोट आई है कुछ? होरा जी के हाथ में चोट आई है, और थोड़ा सा ब्लड उनके हाथ से निकल रहा था, और वो मैंने एक्सरे के लिए भी भिजवाया है क्योंकि उनका यहाँ ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। जो भी हुआ होगा वो अभी एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट आ जाएगी तब मालूम। पुलिस के द्वारा ही बराबरता की जा रही है, बराबर मेयर साहब क्या कुछ कहेंगे? ये हर जगह पे नेताओं की पिटाई या फिर आम जनता की पिटाई, क्या मामला है? देखिए बर्बरता तो कोई भी नहीं कर सकता इस देश में, कानून सबके लिए एक बराबर होता है। अगर पुलिस वालों ने पिटाई की है तो मैं ये बता रहा हूँ कि उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई होगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।